साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी संस्कृति में गुरु को देवताओं के समान माना जाता है और विद्यालय को मंदिर के समान, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि गुरु वह दीपक के समान है जो हमें अंधकार में प्रकाश देता है, और एक ऐसा दीपक है जो खुद चलकर हमें प्रकाश की ओर लेकर जाता है। इसीलिए मैं अपने सारे गुरुजनों को कुछ सब समर्पित करना चाहूंगी और एक कविता सुनाना चाहूंगी जिसका नाम है गुरु के मंदिर। पहली कक्षा के पाठ ने एक अजीब सपना मोड़ दिया, पहली कक्षा के पाठ ने एक अजीब सपना मोड़ दिया और उधर उधर से जीवन में एक नया सनाम जोड़ दिया। न जाने क्या रिश्ता था, न जाने क्या नाता था, पर आते जब वो सामने मन साहस से भर जाता था। और इसी तरह मैं जिंदगी की एक एक सीढ़ी चढ़ती गई और हर वर्ष उन पन्नों में एक नया सनाम करती गई। कभी कैसे कमल, कभी कठिन मुश्किलों का हल, कभी गणित के सवाल, कभी विज्ञान की कमाल, कभी अंग्रेजी के बाकी, और यूं ही मैं चढ़ती गई बहुत गई उस छत पर जहाँ प्रतियोगिताओं के बालों से लाखों पड़े थे। पद की कठिनाइयों को देख कर मन थोड़ा सा घबराया और इतनी परेशानी मेरा मन न सह पाया। तभी अंधकार में मुझे एक दीपक मिल गया और मेरे निराश दिल में एक गुरु का दीपक जल गया। अब मैं इस कविता को पीछे ले जाना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि गुरुओं के बिना हमारा जीवन कितना ज्यादा व्यर्थ था। क्यों ना हम घड़ी के कांटों को कुछ थोड़ा पीछे मोड़ दें, क्यों ना हम घड़ी के कांटों को कुछ पीछे मोड़ दें और उन गुरु के पन्नों से सारे नाते तोड़ दें, और गुरु के पन्नों से सारे नाते तोड़ दें। ना कंधे पर कोई बसता है, ना जीवन का कोई रास्ता है, ना कंधे पर कोई बसता है, ना जीवन का कोई रास्ता है, और दुनियादारी दोस्ती यारी में पूरा भविष्य फंसता है। पढ़ाई लिखाई से दूर है, माँ बाप भी मजबूर है, और सब तरह के फालतू कामों में हम सबसे ज्यादा मशगूल है, और देखते ही देखते वक्त सारा निरर्थ हो गया और मेरा जीवन व्यर्थ सारा हो गया। मैंने ईश्वर से जाकर प्रश्न किया, क्यों उन्होंने मुझे इस दुख का जश्न दिया। ईश्वर ने उत्तर दिया, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ने उत्तर दिया, दुख की मीनारों को तू अपने साहस से तोड़ दे, दुख की मीनारों को तू अपने साहस से तोड़ दे, और जाकर ढूंढ उन पन्नों को जिन्हें पीछे तूने छोड़ा था। वो नाम नहीं वरदान है जिनसे नाता तूने तोड़ा था, वह गुरु है उनका मान करो, अपमान नहीं सम्मान करो। गुरु के पन्ने जीवन का कोई अध्याय नहीं और गुरु के बिना जीवन का कोई पर्याय नहीं। थैंक यू सो मच। See?
enjoying the day. Firstly, happy Teachers Day, the teachers who are present over here. Today, I feel very honored to stand here. First of all, short, when I start to describe the role played by the teacher in any student life, मैं तो बस इतना ही कहूँगी जो हमारे वेद हमें बताते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री एज वेल एज ग्रेट टीचर। डियर टीचर, यू इंक्लूड अस विद नॉलेज determination and the basic values of life. You also teach us to face the problem with a strong mind and heart. Dear teachers, you are also play vital role in educating our society and make the world more better. In India, teachers are considered as God. आखिर में बस इतना ही कहूँगी, शिक्षक हमारी जिंदगी में कई सारे योगदान देते हैं, तो हमें भी उन्हें आदर और सम्मान देना चाहिए। मैं अपने सभी शिक्षकों को आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब इसमें गुरु नाम का एक भाव
दर्जा, मान ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का पहिया उतना ही हमारा दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। इंसान को जिंदगी के भवसागर से पार है, इंसान को जिंदगी के भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए, भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने ही बताया था। जानवर है वो रूह, जानवर है वो रूह जो गुरु से हुई रूबरू नहीं, जानवर है वो रूह जो गुरु से हुई रूबरू नहीं, अगर परखा जाए तो हर लिहाज से मेरे विचार से गुरु से बड़ा कोई रूह नहीं। एट लास्ट वी वुड से दैट टीचर्स डे इज नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रेटिंग अवर टीचर्स बट ऑल्सो अबाउट इनकल्केटिंग देयर वैल्यू एंड सेलिब्रेटिंग अवर टीचर्स। थैंक यू। थैंक यू। और सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।